लोग अक्सर पूछते हैं व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो याद रखना जिनके सर पर कुछ कर गुजरने की धुन सवार हो जाती है ना, वो कामयाब बन जाते हैं। अगर कामयाबी का राज पूछना है ना तो रोनाल्डो से पूछना। रोनाल्डो के फिटनेस कोच मोरी बताते हैं कि जब एक दिन सारे प्लेयर्स अपने रूम्स में बैठे हुए थे तो सामने वाले दर्द हिलते हुए नजर आ रहे थे और जाके देखने पे पता चला कि रोनाल्डो उस वक्त भी दरख्तों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे। और जब सारे प्लेयर्स मैच खत्म होने के बाद अपने रूम्स में जाते हैं तो रोनाल्डो उस वक्त अपनी जिम में अपने वर्कआउट के लिए निकल जाते हैं। और ऐसे लोगों को दुनिया अक्सर पागल कहा करती है। लोगों ने उसेन बोल्ट को भी पागल कहा था क्योंकि वो रनिंग ट्रैक पे पागलों की तरह दौड़ा करता था और उस पागल ने विद इन 115 सेकेंड्स $119 मिलियन का खुद को मालिक बना के बता दिया कि हाँ, हम जैसे पागल ही अक्सर इतिहास रच कर चले जाते हैं। हाँ, लोगों ने सचिन तेंदुलकर को भी पागल कहा था, इमरान खान को भी पागल कहा था। हाँ, लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी पागल कहा था। लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी पागल कहा था। और कहते हैं ना कि कामयाबी के लिए इरादों में जुनून होना चाहिए, जिसके अंदर हो उबाल ऐसा खून होना चाहिए। मायूस न होना, अपनी जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। रोज स्टेटस बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी को बदलने के लिए एक स्टेटस होना जरूरी है। और मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारी कामयाबी तुमसे छीन कर ले जाए। खुद को बिखरने मत देना कभी भी किसी भी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की अक्सर ईंटें भी उठा के ले जाते। कुछ बनना है तो समंदर बनो, लोगों के पसीदे छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। और जिन लोगों की आदतों में हार मानना नहीं होता, वो कभी वर्ल्ड कप जिता देते हैं तो कभी जीत की ठान लेकर दुनिया को हरा देते हैं। तो कई लोगों के पक्के यकीन तोड़कर वो खुद को कुर्सी पे बिठा देते हैं। और जो सर पर बांध के कफन मंजिलों की जानिब निकलते हैं ना, अक्सर उन्हीं लोगों के रास्ते में रुकावटें भी आकर दम तोड़ जाती हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के रास्ते में रुकावटें भी आकर दम तोड़ जाती हैं। प्रैक्टिस इज ओनली थिंग दैट्स मेक अ मैन परफेक्ट।